गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे रही आप लोगों की होली? एंड डोंट बी सरप्राइज्ड कि होली के दिन क्लास। सो यस, दैट दिस इज़ व्हाट वी मेंट बाय कंटिन्यूटी एंड टेकिंग द क्लास 6 डेज अ वीक। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर पॉसिबल, मतलब जहाँ पर भी टाइम मैनेज हो सके हम लोगों से और आप लोगों से रादर, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो पाए इसलिए। सो और वैसे भी क्या कहते हैं, होली पर कोरोना वायरस का गंदा इफेक्ट पड़ा है। सो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने होली खेली होगी, कितने लोग होली खेलना चाहते होंगे और कितने लोगों को होली उनके पेरेंट्स ने खेले नहीं दी गई होगी बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। तो काफ़ी सारे लोग घर पे बैठे होंगे एंड आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोग घर पे बैठे होंगे और बोर भी हो रहे होंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं ठुमके लगाने नहीं आया, एंटरटेन करने नहीं आया। एंड सिंस अब फेस्टिव मूड तो है ही, मतलब आई वोंट डिनाई दैट कि आज का मूड जो भी है, भले ही आपने होली खेली हो या ना खेली हो, बट ढेर सारी स्वीट्स खाना, अच्छा अच्छा खाना खाना एंड आउटिंग करना वगैरह, मतलब वो तो बनता ही है। सो बट इफ़ यू आर स्टिल हेयर, सो मतलब एंड मतलब यहाँ पर अगर आए हो तो पहली बात तो ह्यूज थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ ग्रेड अप। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस कि फेस्टिवल के दिन भी हम लोग क्लास रख रहे हैं टू शो आवर कमिटमेंट। एंड जाने क्यों, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग यस एंथुजियाज्म के साथ पढ़ने के लिए भी आए होंगे, बट यस बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या यार जाना था ये वो फलाना ढिकाना। सो डोंट वरी, अपन दोनों काम करेंगे। सिंस आई हैव कम हेयर टू डिलीवर समथिंग, सो मतलब थोड़ा बहुत मैं पढ़ा के जाऊँगा ही एंड क्लास की ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो जो हम लोग की रेगुलर 45 to 50 मिनट्स की क्लास होती थी उसको कट शॉर्ट करके 30 मिनट्स की क्लास कर देंगे। और मीनवाइल जो लोग आते जा रहे हो तो टॉपिक तो दिख ही गया होगा, कोलिजन है। एंड टिल देन, जब तक अपन लोग बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं और होली का जो मूड है उसको थोड़ा साइड में रख के और पढ़ाई के लिए मूड को रेडी कर रहे हैं, तब तक वंडर कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये कार यहाँ पे कैसे पहुँची होगी वगैरह वगैरह। सो यस, ये भी एग्जांपल ऑफ कोलिजन है एंड आई फाउंड इट फनी। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हाई फाई टेक्निकल चीज़ ला के बोर नहीं करना चाहता था, सो आई फाउंड इट यूजफुल, सो आई ब्रॉट इट हियर। एंड इट इज़ येस, इट इज़ रिलेटेड टू कोलिजन एंड प्लस मैं फिजिक्स टीचर हूँ, मैं किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ। सो मतलब लाइक और आप लोग भी जब अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट रखोगे तो येस यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स जो बाकी लोग सिर्फ मतलब देख के इग्नोर कर देते हैं वैसे कि हाँ चलो होता होगा, हो गया होगा एंड वगैरह वगैरह। तो फिजिक्स मतलब येस, इट डज़ नॉट डिफाई गॉड, इट डज़ नॉट डिसअप्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट येस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स मेक्स वर्क ऑफ गॉड लिटिल ईजी। अब जैसे यहाँ पे कार एक ऐसे गई होगी तो कोई ना कोई तो बोला होगा, कोई ना कोई तो सोचा होगा कि किस्मत ख़राब रही होगी, या उसने क्या कहते हैं उसके सितारे गर्दिश में होंगे, या फिर ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे होंगे, या पता नहीं कहीं से कृपा नहीं आ रही होगी, या फिर कोई तो भगवान नाराज़ हो गया होगा। तो भाई भगवान के पास इतना टाइम नहीं होता, वो भगवान के पास मतलब बहुत बिजी आदमी है, बहुत सारी पॉपुलेशन पे उसको ध्यान देना होता है एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान की ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो इस गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने में भगवान का इंटरेस्ट तो नहीं होगा, तो इसलिए लेट हिम कट सम स्लैक एंड लेट हिम रेस्ट अ वाइल। और ये गाड़ी ड्राइवर या जो भी है किसी ना किसी की गलती की वजह से, कोलिजन की वजह से यहाँ पर अटकी हुई है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी वीडियो का और फिर स्क्रीनशॉट लेके और फिर कैप्चर किया गया है, आई फाउंड दिस इमेज एज इट इज़। सो मतलब हो सकता है वो भी एक पॉसिबिलिटी हो, बट येस बाय द लुक्स ऑफ इट, इट लुक्स लाइक अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कार गई वहाँ पर, घुसी और घुसी रह गई। अब कैसे निकाली गई होगी, कैसे उतारी गई होगी और जिसकी भी कार थी वो इंश्योरेंस क्लेम कर भी पाया कि नहीं, पता नहीं। सो येस आई फाउंड इट अम्यूजिंग एंड आई थॉट कि आप लोगों को भी शायद अच्छा लगेगा, इसलिए यहाँ पे ले आया। सो ऑल राइट, सो ऑलरेडी जो शॉर्ट क्लास है उसको अपन फटाफट वाइंड अप कर देते हैं। सो कोलिजन में, टू बी ऑनेस्ट, कोलिजन की मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड क्या कहते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए
वन क्लास इज़ नॉट सफिशियंट। सो मतलब एंड स्पेशली आज का दिन जिसमें टाइम और भी कम है, तो मतलब आई एम लिटिल रिस्ट्रिक्टेड टाइम वाइज एंड मूड वाइज एज वेल। सो इसलिए मैं काम करूँगा, मैं जो भी इसमें अजम्पशंस एंड थ्योरीज वगैरह होती हैं उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जितने हो पाए विद इन द टाइम फ्रेम वो अपन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो आपके क्लियर कर देता हूँ, और जो भी कोलिजन में टर्मिनोलॉजी टेक्नोलॉजी नहीं टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो भी जागरण है, तो वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, सो दैट कि ऐसे वर्ड्स कभी सामने आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए, तो आप ये वंडर ना करो कि ये चीज़ क्या है। वैसे तो सबसे पहली चीज़ तो कोलिजन क्या होता है, तो जब भी दो या दो से ज़्यादा बॉडीज सेम स्पेस सेम टाइम में ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं तब कोलिजन होता है। ठीक है, तो मतलब इट्स लाइक कि जैसे अगर एक चेयर है और चेयर पे लाइक एग्जैक्टली सपोज 6 PM पे आपको बैठना था, और एग्जैक्टली 6 PM पे ही आपका जो छोटा भाई है वो भी आ गया, तो जैसे ही अगर सीधे 6 बजे अगर आप दोनों उस चेयर की तरफ भागोगे तो यस ऑफ कोर्स कोलाइड कर जाओगे, और कहीं ना कहीं तो कोलाइड करोगे, एंड फिर डिपेंडिंग कि तुम्हारा छोटा भाई कितना छोटा है उसके हिसाब से डिपेंड करके कोलिजन एक बार होगा कि कई बार होगा। छोटा भाई अगर बहुत छोटा नहीं है तो कोलिजन बार बार होगा, वो तुम्हें धक्का मारेगा, तुम उसको धक्का मारोगे, हाथापाई होगी, एक दूसरे बाल खींचोगे, फिर मम्मी आएंगी दोनों को धक्का मारेंगी, दोनों के बाल खींचेगी, दोनों को चिमटा लगा के और फिर भेज देंगी, तो मल्टीपल कोलिजन्स का केस हो जाएगा। उसमें से कुछ इलास्टिक भी होंगे, कुछ इनइलास्टिक भी होंगे, और कुछ परफेक्टली इनइलास्टिक भी होंगे, बिकॉज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें एनर्जी लॉस होता है, तो बेसिकली तुम भाई के साथ धक्का मुक्की करोगे तो उसमें साउंड के फॉर्म में एनर्जी लूज़ होगी, बिकॉज तुम एक दूसरे को काफ़ी वरदान वगैरह दे रहे होगे और काफ़ी वेल विशेज लॉन्ग लाइफ विश कर रहे होगे, और जितनी भी दुआएं दे सकते हो सारी दुआएं दे रहे होगे, सारी खुशियां विश कर रहे होगे। अच्छा, फिर उसके बाद हाथ पैर चल रहे हैं तो हाथ पैर भी कहीं ना कहीं टकराएंगे, तो जहाँ पर भी टकराएंगे मान लो कि हाथ छुट्टा लगा और गाल पे जाके लगा और चिपक गया, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो वहाँ पर भी चटाक से आवाज़ आएगी, तो लाइक माई वाइफ से इस चट बोल के मारेंगे टाइप्स, वैसे तो वो केस भी हो सकता है। तो यस चट बोलोगे भी और मारोगे भी तो भी चट की आवाज़ आएगी वगैरह वगैरह, तो वो भी साउंड है। फिर तुम्हारे छोटे भाई के गाल पे अगर झापड़ पड़ा है तो उसका गाल गर्म भी होगा, तो थर्मल लॉस भी होगा, तो इनइलास्टिक कोलिजन का केस है। अगर हाथ चिपका रह गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है। फिर मम्मी आएंगी, मम्मी ने चिमटा चिपका दिया, तो फिर चिमटा बता जिससे रोटी पलटते हैं वो चिपका दिया, तो वहाँ पर भी हीट एक्सचेंज बहुत कुछ होगा, तो बहुत सारे मल्टीपल कोलिजन का केस हो जाएगा। बट यस अगर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कि लाइक मान लो तुम 14-15 से लाइक 17-18 ईयर्स के हो और तुम्हारा भाई जो भी है वो 8-9 साल का ही है, तो फिर वो एक ही कोलिजन होगा, तुम कहोगे अः मेरी सीट हट यहाँ से, तो फिर वो एक बार देखेगा और फिर या तो मुंह बनाएगा या फिर रोता हुआ मम्मी के पास चला जाएगा, तो वैसा। तो वैसे जो डेली लाइफ के कोलिजन है वो होते रहते हैं, और एक कोलिजन वो कार वाला जो झोपड़ी के ऊपर लटकी हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे कोलिजन्स होते रहते हैं। अब इसमें कोलिजन में कोलिजन किस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है वो चीज़ पता होना जरूरी है। बेसिकली यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोलिजन वर्ड है, तो लाइन ऑफ कोलिजन LOC लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ कोलिजन है, हम मैं इसको लाइन ऑफ कोलिजन ही बोलूँगा सो दैट कि आप लोग को कारगिल की फीलिंग ना आए। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जब बॉडीज टकराती हैं तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हुई इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ इसका मतलब इम्पल्स लगा, इम्पल्स लगा होगा तो किसी ना किसी फोर्स की वजह से लगा होगा, और वो फोर्स क्या भी हो कौन सा फोर्स होगा, जब दोनों बॉडीज टकराएंगी तो उनके कॉन्टैक्ट की वजह से उन पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स आएगा। अब वो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जिस लाइन के अलॉन्ग लगता है दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिजन। अब बॉडीज अगर ऐसे आके टकराती हैं तो लाइन ऑफ कोलिजन ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगी, बॉडीज अगर ऐसे आके टकराती हैं तो भी लाइन ऑफ कोलिजन हॉरिजॉन्टल होगी। लाइन ऑफ कोलिजन यानी कि जो फोर्स है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह के दो सरफेस आपस में आके टकरा रहे हैं, तो अगर सरफेसेस ऐसे वर्टिकल हैं तो लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हॉरिजॉन्टल ही आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये बॉडीज ऐसे मूव कर रही थी या ये ऐसे मूव कर रहे थे या ये ऐसे मूव कर रहे थे कैसे मूव कर रहे थे। तो बेसिकली जो लाइन ऑफ कोलिजन है जिस लाइन के अलॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है दैट लाइन ऑफ कोलिजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वो चीज यहां पर लिखी हुई है। और ये यहाँ पे डेफिनेशन है कि द लाइन अलॉन्ग विच नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स, तो इस एग्जाम्पल में ये जो नॉर्मल रिएक्शन ये नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन के अलॉन्ग काम कर रहा है, सो दिस लाइन विल बिकम लाइन ऑफ कोलिजन। सिंस लाइन ऑफ कोलिजन है, मैं आलसी आदमी हूं तो मैं इसको LOC ही लिखूंगा, लेकिन मैं बोल दूंगा पूरी चीज।
So this is what meant by line of collision and it is independent of direction of velocity of colliding bodies. Iska PDF aap log ko mili jayega, yes. If you don't want to wait for the PDF, so you can take the screenshot. And yes, I forgot to announce that this is a recorded class. So live chat once again not available. And since hum log mostly theory discuss karne wale hain, and aap log ko meri explaining abilities par trust to ho gai, so I'm sure ki jab, as long as I'm clearing theory and as long as I'm not going way too deep into difficult questions, tab tak aapko mera padhaya hua sab samajh mein aayega. Just pay attention. Aur vaise bhi aaj apan kuch zyada bahut zyada hawai nahi karne wale hain, so isliye matlab you will get everything, but still agar koi cheez samajh mein nahi aati hai तो वन थिंग दैट यू कैन ऑलवेज डू इज रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन. और कोई चीज़ रिपीट करने से मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाती है. फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज वेलकम है आपके लिए. ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड. तो इसमें अब सबसे पहली बात, कोलिजन्स जो भी होते हैं, कोलिजन या कोलिजन्स जो होते हैं उसमें क्या अजम्पशंस होते हैं. और वो अजम्पशन जैसे प्रोजेक्टाइल में अजम्पशंस होते थे कि ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है, अर्थ फ्लैट है, एयर नहीं है, वगैरह वगैरह, और अर्थ का रोटेशन वगैरह इग्नोर करके चलते थे. तो वो चीज़ें मतलब प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में अगर वो चीज़ें नहीं भी लिखी हैं तो भी आपको अज्यूम करके चलना पड़ता है कि वो चीज़ तो वैलिड है ही. मतलब प्रोजेक्ट अगर लिख दिया कि एक पार्टिकल है, उसको सर्टेन स्पीड से सर्टेन एंगल पे फेंका जा रहा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चलना है कि एयर नहीं है, ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है, अर्थ फ्लैट है, और अर्थ रोटेट भी नहीं कर रही है ऐसे. तो ये सब चीज़ें मतलब जो अजम्पशंस हैं जो कि बाय डिफॉल्ट दे आर देयर, एंड उसको आपको मतलब हमेशा मान के रखना है कि दोज थिंग्स आर वैलिड इररिस्पेक्टिव वेदर दे आर मेंशनड और नॉट. अगर केस डिफरेंट होगा, अजम्पशंस अगर वैलिड नहीं हो रही होंगी, तो वो चीज़ क्वेश्चन में स्पेसिफाई की जाएगी कि दिस सर्टेन अजम्पशन इज नॉट वैलिड. एनीवेज, तो अजम्पशंस क्या है? सबसे पहली चीज़, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा कोलिजन के बीच में. तो कोलिजन अगर हो रहा है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो फिर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स मतलब नहीं, एक्सटर्नल फोर्स होगा बट इम्पल्स नहीं होगा. तो फोर्स और इम्पल्स में अभी स्लाइड डिफरेंस है, मैं अभी ये थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगा. तो कोई भी अगर एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं है, दिस मीन्स कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जो सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर सके. इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. अब अगर इम्पल्स नहीं है इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, और मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल है. तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं. अच्छा, सेकेंड, नो फ्रिक्शन. बिकॉज ये चीज़ बाई डिफॉल्ट अज्यूम करके चलते हैं, बिकॉज अगर सरफेस स्मूथ नहीं हुए तो उनके बीच जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो इम्पल्सिव फोर्स है. और अगर उनके बीच स्लिपिंग या टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, और अगर आपने उसमें म्यू से मल्टीप्लाई किया, तो म्यू एन का जो फोर्स आएगा वो भी एक लार्ज फोर्स आएगा, और उसकी वजह से इम्पल्स आएगा. तो बॉडीज मे टेंड टू रोटेट, या फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ इफेक्ट आ सकता है. तो हम बाई डिफॉल्ट, अनलेस अगर कुछ मैंशन नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट अज्यूम करके चलते हैं दैट देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द कोलाइडिंग बॉडीज. ठीक है. थर्ड अजम्पशन, दैट ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज वेरी वेरी स्मॉल. अब ऐसा मतलब जैसे छोटे भाई को झापड़ मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं करोगे कि छोटे भाई ने देखा और लाइक वो मूवीज में करते हैं ना कि स्लो मोशन में झापड़ दिखाते हैं, और फिर झापड़ का कॉन्टैक्ट हुआ तो जो भी विलेन है उसके मुंह से कुछ तो सलाइवा बाहर निकला, दो तीन दांत भी निकले, और वगैरह वगैरह ऐसे टाइप्स दिखाते हैं, और फिर उसकी आंखें घूम गई, और जो भी है यू कैन इमेजिन द सीन. तो वैसा नहीं होता. तो मतलब ये है कि मतलब कुर्सी की तरफ भाग रहे थे, और अगर टकरा गए तो मतलब जैसे ही कोलिजन हुआ तुम चट से मारोगे, ऐसे ऐसे वेट थोड़ी करोगे. तो इस पूरी प्रोसेस में बहुत कम टाइम लगता है. अच्छा, अब हाथ को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में अगर हाफ सेकंड का टाइम लग रहा है, जो जितने टाइम तक हाथ उसके गाल के कॉन्टैक्ट में रहा होगा वो टाइम तो और भी कम होगा. तो वो टाइम सिंस बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इसलिए मतलब ये तो ठीक है, नॉर्मल केस है. अब जैसे अगर एक तुम स्टील की बॉल को कंसीडर करो, और स्टील की बॉल को अगर तुम कंक्रीट फ्लोर पे अगर गिराते हो, और फिर उसके बाद वो टकराने के बाद बाउंस बैक करती है, तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर है वो बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल होता है. और बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और वो चीज़ हम लोग बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चलते हैं. अब इस अजम्पशन का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जैसे अगर कोई बॉडी है उसमें मास हो गई, मास है तो बॉडी वेट भी होगा, बॉडी वेट भी होगा, और ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन अगर डेल्टा टी है, तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि जो भी इम्पल्स होता है दैट इज फोर्स इनटू डेल्टा टी. अब अगर एक फाइनाइट फोर्स है सच एज एमजी, स्टील बॉल अगर आपने उठा के अगर फेंकी है तो उसका मास ज़्यादा नहीं होगा, मान लो 1 kg है, तो ये 10 N का फोर्स है अगर ग्रेविटी को 10 मान लेते हो. और अगर डेल्टा टी बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल है, लाइक माइक्रो सेकेंड्स में है, तो 10 × μs करोगे तो जो इम्पल्स भी आएगा वो 10⁻⁵ में आएगा, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल. तो ये ड्यूरेशन शॉर्ट होने का बेनिफिट ये है
कि जितने भी फाइनाइट फोर्सेस होते हैं लाइक बॉडी वेट और जैसे स्प्रिंग का फोर्स वगैरह ये सब, तो जो कि सडनली चेंज नहीं हो सकते, तो ऐसे फाइनाइट फोर्सेस का जो इम्पल्स है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो लाइक जैसे अगर दो प्रोजेक्टाइल अगर हवा में टकरा रहे हैं, तो और मैं अगर बोलूँ कि टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद उनका मोमेंटम सेम होगा बोथ इन एक्स और वाई डायरेक्शन, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि चलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो समझ में आता है बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं होती है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो बॉडी वेट काम कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बॉडी वेट है तो वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स भी होगा, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स है तो वर्टिकल डायरेक्शन मोमेंटम चेंज होना चाहिए। तो अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो हम कंजर्व कैसे कर रहे हैं, तो वो इसलिए कंजर्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस दैट वी हैव अज्यूम्ड ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज वेरी वेरी स्मॉल, और ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो डिस्पाइट ग्रेविटी बीइंग प्रेजेंट, ग्रेविटी के होने के बावजूद यहाँ पर जो ग्रेविटी का इम्पल्स आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आ रहा है और उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो एक तरह से आप ये मान सकते हो ये जो वेरी वेरी स्मॉल का मतलब है ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। तो जितने भी फाइनाइट फोर्सेज हैं उनका इंपल्स भी ऑलमोस्ट जीरो, तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो भी ऑलमोस्ट जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये इन अजम्पशंस का वैलिड है। तो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन वेरी वेरी स्मॉल, सो इंपल्स ऑफ फाइनाइट फोर्सेज सच एज बॉडी वेट मे बी इग्नोर्ड। तो ये थर्ड अजम्पशन का रिजल्ट है। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इंपल्स वाला वर्ड जो है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन का सिनारियो सिंपल सा है, और सिंस ये क्वेश्चन के चार ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चन के चार पार्ट्स हैं, तो इट्स लाइक कि एक एग्जांपल से मैं चार क्वेश्चंस को क्लियर करना चाहता हूँ, सो दैट कि इंपल्स वगैरह जो कुछ भी है वो सब एक साथ आपका क्लियर हो जाए। सो देखते हैं क्या सिनारियो है। दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं ए और बी, एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, और उसके बाद एक थर्ड बुलेट है जिसका मास भी सेम है, कुछ स्पीड यू से जाके टकराती है, और उसके बाद बुलेट जो भी है इस ब्लॉक में एम्बेड हो जाती है यानी कि धस जाती है। तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बी सी आफ्टर कोलिजन निकालना है। फर्स्ट पार्ट तो ये है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ हमें समझ में आती है, और ये चीज़ आपको अपने एक्सपीरियंस से भी पता है, कि अगर ये बुलेट इसमें जाके धस जाएगी तो फिर दिस बुलेट एंड दिस ब्लॉक बिकम ए सिंगल बॉडी, और दोनों का मास एडअप हो जाएगा यानी कि 2m का मास हो गया। अब अगर दोनों सिंगल बॉडी की तरह मूव कर रहे हैं, मतलब बुलेट अगर एम्बेड हुई है और आर पार नहीं निकल रही है, तो मतलब ब्लॉक के साथ साथ बुलेट भी मूव कर रही है, दोनों सिंगल बॉडी की तरह मूव कर रहे हैं, तो दोनों की टकराने के बाद कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। अच्छा, नाउ सेकेंड चीज, सिंस ये जो ब्लॉक है ये स्ट्रिंग्स से कनेक्टेड है ब्लॉक ए से, और स्ट्रिंग आइडियल है, स्ट्रिंग इस मोमेंट पे टॉट भी है, और स्ट्रिंग में टेंशन कितना भी चेंज हो सकता है सडनली, तो स्ट्रिंग में टेंशन अगर सडनली कितना भी चेंज हो सकता है, तो अगर ये ब्लॉक बी मूव करना स्टार्ट किया, और आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इनएक्सटेंसिबल होती है, उसमें कितना भी फोर्स लगा दो वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, टूट जाएगी जल जाएगी लेकिन एक्सटेंड नहीं होगी। तो अगर स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं हो रही है तो अगर ब्लॉक बी जिस मोमेंट पे मूव करना स्टार्ट करेगा उसी मोमेंट पे ब्लॉक ए भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। ब्लॉक बी अगर राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस रस्सी की वजह से जो ब्लॉक ए है वो भी राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ब्लॉक बी जिस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा स्ट्रिंग की लेंथ को सेम रखने के लिए, ब्लॉक ए भी उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। दिस मींस कि कोलिजन के बाद सी और बी एक हो गए तो इनकी वेलोसिटी तो सेम है, और जो इनकी कॉमन वेलोसिटी है वही ब्लॉक ए की भी कॉमन वेलोसिटी है। तो मतलब कि कोलिजन के बाद ये बुलेट सी, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए तीनों एक साथ सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर तीनों एक साथ सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं, किसके लिए, पूरे सिस्टम के लिए। सिंस तीनों पहले जो भी थे अलग अलग थे लेकिन कोलिजन के बाद तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो इसलिए। अच्छा, नाउ समबडी माइट वंडर कि इस टेंशन का क्या हुआ,
क्योंकि जस्ट मैंने अभी बोला कि रस्सी में जो टेंशन है वो तो कितना भी वैरी कर सकता है, और अगर कितना भी वैरी कर सकता है और अगर ये ब्लॉक ए सडनली मूव करना स्टार्ट किया है और उसमें कुछ वेलोसिटी भी आ गई है नेग्लिजिबल टाइम में, तो जो एक्सेलरेशन आया होगा वो तो बहुत ज़्यादा लार्ज आया होगा। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये चीज़ फाइनाइट है। ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन को हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा लार्ज आया होगा। अब एक्सेलरेशन अगर बहुत ज़्यादा लार्ज आया है तो जो फोर्स लगा होगा वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज लगा होगा, तो यानी कि जो टेंशन का फोर्स है ये सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया होगा। अब अगर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है तो इसका मतलब ये फाइनाइट फोर्स तो है नहीं, तो इसकी वजह से तो इम्पल्स आएगा। अब इसकी वजह से अगर एक्सटर्नल इम्पल्स आ रहा है तो फिर हम लोग कोलिजन की जो फर्स्ट एजम्पशन थी, कोलिजन की फर्स्ट एजम्पशन थी ये नो एक्सटर्नल इम्पल्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो पहली एजम्पशन यहाँ पे फेल हो रही है। तो यस, अगर आप सिर्फ ब्लॉक ए को कंसिडर करो या सिर्फ ब्लॉक बी को कंसिडर करो तो उन दोनों पे ये टेंशन का इम्पल्स काम कर रहा है। तो यस, दो जो फर्स्ट एजम्पशन है दैट इज नॉट होल्डिंग हेयर। बट अगर आप इन तीनों को, मतलब ए बी और सी, तीनों को सिंगल बॉडी की तरह मान लो, बिकॉज कोलिजन के बाद तीनों एक साथ सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऑन स्मूथ सरफेस, तो अगर ये तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो तीनों को सिंगल बॉडी की तरह मान सकते हो, और तीनों को अगर आपने सिंगल बॉडी की तरह मान लिया, सिंगल सिस्टम की तरह मान लिया, तो ये जो टेंशन का फोर्स है दैट बिकम्स इंटरनल फोर्स। अब ये टेंशन का फोर्स कितना भी लार्ज हो जाए, न्यूक्लियर फोर्स से भी ज़्यादा लार्ज हो जाए, तो भी इंटरनल होने की वजह से इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नो एक्सटर्नल इम्पल्स इज लेफ्ट ऑन दिस सिस्टम, हेंस वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम। तो ये जो सी ओ एल एम लिखा हुआ है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो टकराने के पहले ए और बी रेस्ट पे थे, सिर्फ सी मूव कर रहा था, तो सिर्फ सी का मोमेंटम लिखोगे। टकराने के बाद तीनों मूव कर रहे हैं, लेट्स से किसी वेलोसिटी वी से, तो सिस्टम का टोटल मास 3m के बराबर हो गया एंड कॉमन वेलोसिटी वी, तो यहां से v की वैल्यू अपने पास u बाई थ्री आ जाएगी। तो दैट इज आवर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट इज डन। अब सेकेंड पार्ट, इंपल्स ऑन a। तो इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो a पर जो इंपल्स आ जाएगा वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ a, तो मास तो सबका सेम है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ a, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और फाइनल वेलोसिटी v के बराबर है, यहां से v की वैल्यू उठा के यहां पे ठूस दोगे, a पर इंपल्स आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट है, इंपल्स ऑन c ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन। c पर कितना इंपल्स लगा, तो वंस अगेन चेंज इन मोमेंटम ऑफ c, तो उसका मास तो m है, ऐसे फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, v की वैल्यू u बाई थ्री है, इंपल्स नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज जब ये दोनों टकराएंगे, जैसे ये ब्लॉक बी है और ये बुलेट आके टकराई, तो इस बुलेट पे जो फोर्स लगेगा वो इसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी थी राइट की तरफ, तो सिंस इस बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इंपल्स यहां पर नेगेटिव आएगा। तो इंपल्स का वही सेम फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर ए पर इंपल्स पूछा है तो ए का चेंज इन मोमेंटम, सी पर इंपल्स पूछा है तो सी का चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स ऑन बी पूछा है तो बी का भी चेंज इन मोमेंटम लिख देना, यू विल गेट योर आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल राइट, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक ब्लॉक है मास m का, एक पैन है मास m का, और एक पार्टिकल है मास m का, सब कुछ सेम है, और लाइट स्ट्रिंग, स्मूथ पुली, सिस्टम रेस्ट पर है, पार्टिकल आया पैन से टकराया और चिपक गया, पार्टिकल v की स्पीड से टकराया था, तो फाइंड द स्पीड विद विच द सिस्टम मूव्स जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब यहाँ पे देखो, जस्ट आफ्टर द कोलिजन की बात हो रही है, तो कोलिजन के जस्ट पहले ये दोनों का मास सेम है तो दोनों एक्सलेट नहीं कर रहे थे, सिस्टम वगैरह जो भी था वो रेस्ट पर था। अच्छा, अब कोलिजन के जस्ट पहले वेलोसिटीज वगैरह जीरो हैं, ग्रेविटी एविटी के जो फोर्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, कोलिजन के जस्ट बाद ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब सिंस कोलिजन के जस्ट बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब जो टाइम इंटरवल इस पूरी प्रोसेस में हम लोग को लेना है वो सिर्फ उतना टाइम इंटरवल लेना है जितने टाइम इंटरवल में कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन का जो टाइम इंटरवल है या जो टाइम
जितने ड्यूरेशन में कोलिजन अकर करता है, बाय अजम्पशन हम उस इंटरवल को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो अगर उस इंटरवल को हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलते हैं तो ग्रेविटी का जो इम्पल्स है उसको तो इग्नोर किया जा सकता है। तो ग्रेविटी का इम्पल्स अगर इग्नोर कर सकते हो फॉर दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोलिजन जिसमें कोलिजन टेक प्लेस हो रहा है, तो अगर हम लोग ग्रेविटी के इम्पल्स को इग्नोर कर रहे हैं तो एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो ग्रेविटी को हटा ही देते हैं, हटा दिया ग्रेविटी को। अब अगर ग्रेविटी को हटा दिया तो यहां पे कुछ टेंशन लगा होगा, यहां पे कुछ टेंशन लगा होगा जब पार्टिकल टकराया होगा। अब अगर ग्रेविटी नहीं है तो एक काम करते हैं, ये जो रस्सी ऐसे जा रही है ना, इस पुली को हटा देते हैं और ये जो रस्सी ऐसे जा रही थी उसको एकदम ऐसे फ्लैट कर देते हैं। बिकॉज अगर ग्रेविटी नहीं है तो अगर इस ब्लॉक को तुमने ऐसे रख दिया और इस ब्लॉक इस पैन को ऐसे कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट बिकम्स समथिंग लाइक कि जैसे ये ऐसे ब्लॉक, यार रुको, ये ऐसे पैन हो गया, ये ऐसे ब्लॉक से कनेक्टेड है और ये पार्टिकल ऐसे इससे v की वेलोसिटी से आके टकरा रहा है, इसका भी मास m, इसका भी मास m, और टकराने के बाद इसे स्टिक कर जाता है तो पार्टिकल और पैन एक साथ मूव करेंगे, रस्सी से कनेक्टेड है तो तीनों एक साथ सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे और इसमें हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। टेंशन, यस टेंशन विल बी देयर। विल टेंशन वेरी? यस इट विल वेरी। विल टेंशन बी लार्ज? यस इट मे बी लार्ज। विल टेंशन प्रोवाइड इम्पल्स? यस इट मे प्रोवाइड, इट विल प्रोवाइड इम्पल्स। लेकिन अगर हम पार्टिकल पैन और ब्लॉक को सिस्टम की तरह मान लेते हैं तो टेंशन बिकम्स इंटरनल फोर्स, इट्स इम्पल्स बिकम इंटरनल इम्पल्स, इट्स इफेक्ट बिकम इंटरनल, गेट्स कैंसल्ड आउट। तो इसलिए जो टेंशन का इम्पल्स है दैट कैन बी इग्नोर्ड, और ग्रेविटी का इम्पल्स ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन के स्मॉल होने की वजह से इग्नोर हो गया, तो सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं बचा, कोई भी एक्सटर्नल और अदर इम्पल्स नहीं बचा, तो लीनियर मोमेंटम यानी कि इम्पल्स नहीं बचा, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम नहीं बचा, और चेंज इन मोमेंटम नहीं बचा इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम कैन बी इक्वेटेड। तो इक्वेट कर दोगे तो अभी हम लोगों ने जस्ट किया था, आंसर विल बी वी बाई थ्री। तो सी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। आप अब लिख देता हूं, सिंस इंपल्स ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, लीनियर मोमेंटम, वो मोमेंटम लिखा हुआ है, कैन बी कंजर्व्ड अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ग्रेविटी को हटा दिया तो ग्रेविटी को हटाने के बाद स्ट्रिंग को मैंने सीधा कर दिया बिकॉज पुली वगैरह आइडियल है, स्मूथ है, लिखा हुआ है कि पुली स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, टेंशन दोनों साइड सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो जो टेंशन का इम्पल्स यहाँ पर आएगा वही टेंशन का इम्पल्स वहाँ पर आएगा, और इंटरनल इम्पल्स है इट विल गेट कैंसल आउट, लीनियर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड अलोंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आंसर इज सी। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एक नई चीज़ है जो आप लोगों ने सीखी है, तो इसको क्या कहते हैं, आप लोग जरूर रिवाइंड करके देखना, और जो लोग लाइव नहीं देख पाए, मतलब जो लोग जिस टाइम पे ये प्रीमियर हो रहा था उस टाइम पे नहीं देख पाए तो बाद में डेफिनेटली आके देखोगे। इस ये जो कंसेप्ट है ना, कोलिजन की ड्यूरेशन को इग्नोर करके और टेंशन का इम्पल्स वगैरह, इस तरह का क्वेश्चन, दिस इज समथिंग न्यू, मतलब हो सकता है आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी और बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू भी होगा, और किस तरह से हम लोग लीनियर मोमेंटम कब कब किन किन कंडीशंस में कंजर्व कर सकते हैं। तो दिस कवर्स लॉट ऑफ कंसेप्ट। तो हालांकि हम लोगों ने दो ही क्वेश्चन किए हैं एंड येस आई एम गोइंग टू वाइंड अप बिकॉज मैंने बोला था क्लास छोटी होगी। तो ये जो दो क्वेश्चन है, दीज टू क्वेश्चन आर समथिंग न्यू दैट यू लर्न, एंड दीज क्वेश्चन कंटेन ए गुड इनसाइट अबाउट द अजम्पशंस जो हम लोग कोलिजन में लेते हैं, और बाकी इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बाय डेफिनेशन आप लोग को पता है, एनर्जी वगैरह किस में कंजर्व होती है किस में नहीं कंजर्व होती है वो भी पता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यूज़ वगैरह आप लोग को पता है, तो जो स्टैंडर्ड स्टफ है वो आप लोग को पता है।
अब उसके अलावा जो कुछ भी है ये चीज़, तो दिस गिव्स बिल्ड्स अ गुड फाउंडेशन फॉर अजम्पशंस विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड इन कोलिजन। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर डेफिनेटली रिवाइज करना। और दैट वाज ऑल, मैं ज़्यादा टाइम आप लोग का लेना नहीं चाहता था। सो वंस अगेन हैप्पी होली, और आई होप आप लोग सब कुछ सुरक्षित हो, सेफ हो, एंजॉय किए और एंजॉय करते रहोगे। एंड हेल्दी रहना है, मतलब कोई बीमार बीमार नहीं पड़ना चाहिए, बीमारी की वजह से क्लास नहीं मिस होनी चाहिए, पढ़ाई में ब्रेक नहीं आना चाहिए, कंसिस्टेंसी में ब्रेक नहीं आना चाहिए। इफ़ वी आर कमिटेड टू कम हियर कंसिस्टेंटली, देन थोड़ा सा कमिटमेंट आप लोगों की साइड से भी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे जो भी चला है दैट इज़ म्यूचुअल। सो यस, कीप शेयरिंग द वीडियो, एंड अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो यस, मेक श्योर कि आपके फ्रेंड्स को भी सीखने को मौका मिले। बिकॉज अगर ऐसा सोचते हो कि ये चीज़ मैंने सीखी है, सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए, किसी और के पास अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, एंड आई गॉट द समथिंग एक्स्ट्रा, तो ऐसा होता नहीं है। वो कोई अगर मतलब ये चीज़ इफ़ इट्स देयर, तो और ये चीज़ यूट्यूब पर ही है, तो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि आपके फ्रेंड्स को और जिनसे आप कंपीट कर रहे हो उनके पास भी ये चीज़ पहुँच ही जाएगी वन वे और अनदर। तो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट, हाउ अबाउट इसको शेयर करो, और उनको अगर वीडियो अच्छा लगे तो दे विल बी थैंकफुल, यू विल बी गिवन विद एक्स्ट्रा क्रेडिट। सो कंपटीशन का लेवल वही रहने वाला है, जिसको आप जैसे भी ट्रीट करो। तो हाउ अबाउट बींग हेल्दी अबाउट इट एंड थिंकिंग हेल्दी अबाउट इट एंड मेक इट फेयर चांस फॉर एवरी वन। मतलब सब अपने कंपटीटर को फेयरली बीट करने का मज़ा ही कुछ और है ना। तो वैसे तो इसको शेयर करो, सबको सीखने दो, और उसके बाद फाइनल एग्जाम में देख लेंगे, ठीक है? तो कीप शेयरिंग द वीडियो एंड हैप्पी होली वंस अगेन, सी यू टुमारो, बाय बाय। एंड यस, कल सेंटर ऑफ मास यानी और का जो भी इंक्लूडिंग कोलिजन एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो दो टॉपिक हम लोगों ने कवर किए, तो उस पर बेस्ड क्विज होगा। एंड क्विज का लेवल वैसे रहेगा जैसा हम लोग हमेशा रखते हैं, तो क्विज के लिए प्रिपेयर होके आना। एंड मिलते हैं अपन लोग वेंसडे को, मिलते हैं, बाय बाय।